हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है कोमल का। कहती हैं, लव गुरु जी, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी उम्र भी अभी 18 की नहीं है, लेकिन मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। मैं हर टाइम उसको ही देखती हूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि वो कॉलेज नहीं आया तो मैं भी उस दिन नहीं जाती। मेरा मन इस कॉलेज में जब ही लगता है जब वो होता है, लेकिन मेरी सहेलियां कहती हैं वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, तुम उससे दूर रहो, तुम उसके लिए अपने मन में अपने दिल में फीलिंग मत रखो। लेकिन मैं क्या करूँ, फीलिंग तो अपने से ही आ जाती है और मेरे दिल में भी अपने आप प्यार की फीलिंग आ गई। मुझे अब नहीं मालूम कि उसके मन में क्या है। कोमल जी, देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। 18 से पहले भी हो जाता है और 40 के बाद भी हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप अभी छोटी हो और प्यार हो गया। हाँ, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्यार एक पाक रिश्ता है और उम्र आने के बाद, आप जब 18 के हो जाओगे, उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हो, रह सकते हो साथ में, शादी कर सकते। लेकिन रही बात फीलिंग आने की, आपको प्यार हो गया है, उसको पता नहीं है, आप अपने मन की बात बता नहीं पा रहे, तो जिस तरह से आपकी सहेलियां उसके बारे में आपसे कहती हैं, कोई अच्छी सहेली ढूंढो उन्हीं के बीच से और अपने मन की बात उस तक पहुंचाओ, आप जिससे प्यार करते हो, फिर उसके मन की बात जानो और जानने के बाद आप अपना प्यार का इजहार कर दीजिए। हो सकता है वो भी आपसे प्यार करता हो, या ये भी हो सकता है कि वो किसी और से करता हो। तो ये आपको सोचना है और आपको तय करना है कि आप अपने मन की बात कैसे पहुंचाओगे। आज का दूसरा सवाल है सोनिया का। कहती हैं, लव गुरु जी, प्यार सुना था, प्यार कैसे होता है, क्या होता है, कैसी फीलिंग होती है, प्यार का दर्द क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैं 2 महीने पहले अपनी दीदी के यहाँ गई थी, उनके यहाँ शादी थी। वहाँ पे मुझे एक लड़का दिखा, वो भी वहाँ शादी में आया था। थोड़ी सी बातें हुई, मिले, साथ में खाना खाया। कुछ बातें करने के बाद मेरा मन तो सिर्फ उसी को देखने को करने लगा। उसके लिए मुझे फीलिंग लगने लगी। मैं समझ नहीं पा रही क्या है, क्या यही प्यार है, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है, सिर्फ एक बार देखने से, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है। सोनिया जी, तो आपको भी प्यार हो गया। पहले आप क्यों नहीं जानते थे कि प्यार होता है, प्यार क्या होता है। कहते हैं प्यार का दर्द मीठा मीठा होता है। जब किसी से प्यार हो जाता है, वो प्यार का जो एहसास होता है बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या ऐसी फीलिंग है, दर्द है मीठा मीठा, एहसास हो रहा है, तो आपको प्यार हो गया। प्यार एक बार या दो बार या हजार बार देखने से नहीं होता। प्यार तो एक नज़र में भी हो जाता है, एक झलक में भी हो जाता है। प्यार तो प्यार है। तो अगर आपको हो गया है प्यार, आपको पूरा एहसास हो रहा है, आपको प्यार वाली फीलिंग आ रही है, तो दोबारा मिलिए, बात करिए और दीदी के यहाँ जाके दीदी के सहयोग से उससे एक बार मिल के देखो और उसके दिल की बात जानो। तभी तो पता चलेगा कि जो आपको है, आपको प्यार हुआ है, उसको भी है या नहीं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahiriya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ और प्यार भरे सवालों के साथ, रिश्तों के सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।